नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। आज की डेट है 26 मार्च 2020। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो एबल प्राइज़ 2020 के बारे में है। हाल ही में एबल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है और ये हिलेल फोरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्क गुलिस को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, हिलेल फोरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्क गुलिस की। ठीक है, तो एबल प्राइज़ जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मैथ्स का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जो एबल प्राइज़ दिया गया है वह ग्रुप थ्योरी यानी समूह सिद्धांत और नंबर थ्योरी यानी संख्या सिद्धांत, और उसके बाद एक अन्य मैथमेटिकल टेक्निक है संयोजन विज्ञान कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए, ये इनके योगदान के लिए दिया गया है। तो एबल प्राइज़ हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है 2020 का। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, या गणितज्ञों के बारे में हम कुछ फैक्ट जो हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग जो हैं एक अमेरिकी इजरायली गणितज्ञ हैं जो कि हिब्रू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हिब्रू विश्वविद्यालय कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये यरूशलम में है जो कि इजरायल में है। ठीक है, और वैसे इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्होंने योगा संख्या सिद्धांत नाम की एक प्रमेय दी थी जिसको फ्रेस्टेनबर्ग सर्गोजी प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, और ये गणित में बुल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे गणितज्ञ हैं ग्रेगरी मार्गुलिसिस, ये एक रूसी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इन्होंने गणित के क्षेत्र के फील्ड मेडल, बुल प्राइज, एबल प्राइज़, ये तीनों प्राइज जीते हैं और इस प्रकार ये पांचवें गणितज्ञ हैं जो ये तीनों प्राइज प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो एबल प्राइज की हम बेसिक बातें जो एबल प्राइज के बारे में वो भी हम जान लेते हैं। एबल प्राइज जो है नॉर्वे के सम्राट के द्वारा दिया जाता है और यह इस पुरस्कार का नाम जो है नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को जीतने वाले विजेता को 6 मिलियन क्रोनर प्रदान किए जाते हैं जो कि नॉर्वे की करेंसी है क्रोनर। उसके बाद पहली बार इसको दिया गया था 2003 में, 2003 में ये प्रारंभ किया गया था और गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है एबल प्राइज़। ठीक है, उसके बाद हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि मेड इन इंडिया कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है। पहली मेड इन इंडिया कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी गई है। तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये डेवलप की गई है आपकी माई लैब के द्वारा, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं। पुणे बेस्ड एक लेबोरेटरी है माई लैब। ठीक है, तो ICMR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दे दी है माई लैब को कि वह कोविड-19 परीक्षण किट को डेवलप कर सकती है। ठीक है, उसके बाद और इसकी कॉमर्शियल बिक्री के लिए ये पहली कंपनी बन गई है जो इसको ये मान्यता दी गई है। मौजूदा समय में जो कोविड-19 के परीक्षण की जो किटें आती हैं उनमें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है टेस्ट को बताने में, जबकि माइलैब के द्वारा ये जो किट विकसित की गई उसमें 2 घंटे का समय लगेगा और यह किट जो है 1200 से 1500 रुपये के हिसाब से प्रति परीक्षण के हिसाब से बेची जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक सिंगल किट जो है वो 1000 सैंपल्स को स्टडी कर सकती है और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान से संबंधित जो राष्ट्रीय संस्थान है हमारा वह पुणे में है, उसके द्वारा ये सत्यापित की गई है और ये बताया गया है कि यह किट जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन पर आधारित है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे भारत में प्रथम कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप की गई है वो किसके द्वारा की गई, तो वह है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन पुणे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला जो आर्टिकल है हमारा वो हाल ही में IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये बताया है कि कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव हैं वो 2009 में जो मंदी आई थी वैश्विक मंदी उसके अपेक्षाकृत अधिक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी चेतावनी दी है कि G20 देशों की जो वर्तमान स्थिति है वो नकारात्मक है, आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण नकारात्मक है। उसके अलावा IMF ने यह भी बताया है कि विश्व में कोविड-19 के कारण जो
जीडीपी में गिरावट होगी वो 1.5% होगी। और आईएमएफ ने एक इसके साथ एक अनाउंसमेंट की है कि वह कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 ट्रिलियन उपलब्ध करवाएगा और 80 से अधिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपातकालीन फंड की मांग की है। 2008 का जो संकट था वो हम जान लेते हैं क्या था। 2008 में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने के अनुसार वित्तीय संकट की जो गिरावट की दर थी वो 0.6% थी, जबकि वर्तमान में आईएमएफ ने कोविड-19 के कारण जो गिरावट की दर बताई है वह 1.5% है, जो कि काफ़ी अधिक है। ठीक है, 2008 के समय हालांकि भारत और चीन जैसे जो विकासशील देश थे उस समय उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी वो तेज़ी से आगे बढ़ती रही थी, और 2008 का जो संकट था वो वेस्टर्न कंट्रीज में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो आईएमएफ के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, और वर्तमान में इसकी प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ये यहाँ पर पहले का है काफ़ी, तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो हैं वो इस समय आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन, जो कि हमारे भारत की हैं आईएमएफ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य इकोनॉमिस्ट जो हैं वो गीता गोपीनाथन है, इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। स्थापना की गई थी 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 के लिए हवाई अड्डों पर इस्तेमाल की जाने वाली थर्मल स्क्रीनिंग काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो थर्मल स्क्रीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है। थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक फैक्ट समझने होंगे। जैसे आपने रेडिएशन के बारे में सुना होगा, विकिरण के बारे में, इसमें होता क्या है, एक मिनट, हाँ देखिए, ये मान लीजिए कोई बॉडी है और ये सनलाइट है, किसी बॉडी में सनलाइट एब्जॉर्ब होने और उसके उत्सर्जन की दर जो है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करने की गुण के अनुपात में होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो बॉडी जितना ज़्यादा रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करेगी उतना ही ज़्यादा वह एमिशन करेगी, या हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जो है जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वह उत्सर्जन करती है। जिस प्रकार स्टीफन का लॉ है कि इमिशन की जो रेट होती है वो टेम्परेचर की 4 times होती है। ठीक है, मतलब T^4 होती है उत्सर्जन की दर। तो इस प्रकार उत्सर्जन के कॉन्सेप्ट को इसमें यूज किया जाता है थर्मल स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं थर्मल स्क्रीनिंग क्या है। थर्मल स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु के बढ़े हुए तापमान को पता लगाया जाता है और उत्सर्जित विकिरण के द्वारा इसको पता लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति में बुखार होता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और थर्मल स्क्रीनिंग वह प्रक्रिया है जो उसके बढ़े हुए तापमान को डिटेक्ट करने में मदद करती है, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग से यह पता चलता है कि मनुष्य के शरीर से कितना रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है। सामान्यतः मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है, और बुखार की स्थिति में 100.4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो उसमें कोविड-19 होने की संभावना होती है। तो इस वजह से उसके उत्सर्जन, उसके रेडिएशन को चेक करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कोविड-19 से ग्रस्त हो सकता है, संभावित हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 98.4 डिग्री सेल्सियस, और शरीर का तापमान 100.4 डिग्री सेल्सियस है तो वह कोविड-19 के संक्रमण के संभावित हो सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो हाल ही में रूस के कुरिल द्वीप में भूकंप को दर्ज किया गया है, और यह भूकंप जो था वो 7.5 रिएक्टर की तीव्रता पर आया था। ठीक है, और यह भूकंप जो है कुरिल द्वीप को प्रभावित किया है। प्रशांत सुनामी केंद्र ने चेतावनी दी है कि कुरिल द्वीप समूह के तटों के किनारे सुनामी आ सकती है, हालांकि ये काफ़ी नीची होगी इनकी लपटें, ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये है कुरिल द्वीप की लोकेशन,
और ये है सखालिन द्वीप, और ये है रसिया। ठीक है, ये ऊपर भी रसिया है, यहाँ पर नीचे जापान है। दूसरी तस्वीर देखिए आप, आपको यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है कुरिल द्वीप समूह, और ये रसिया है, ये है हमारा जापान, और ये है हमारा सखालिन द्वीप। ठीक है, कुरिल द्वीप के बारे में जो कुछ बेसिक फैक्ट हैं वो हम जान लेते हैं। क्या है कुरिल द्वीप? एक ज्वालामुखीय द्वीप समूह है। ठीक है, और ये ओखोत्सक सागर, ये है सी ऑफ, एक मिनट इसको मिटा देते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा। ये है सी ऑफ ओखोत्सक को प्रशांत महासागर से अलग करता है, या ये है पैसिफिक ओशियन, और ये है हमारा कुरिल द्वीप समूह। ठीक है, तो सी ऑफ ओखोत्सक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। वर्तमान में ये रूस के टेरिटरी है, और जापान भी इस पर अपना कभी कभी दावा प्रकट करता है कि ये जापान का हिस्सा है। तो कुरिल द्वीप समूह विवाद जो है जापान और रूस के बीच में है, और ये अभी वर्तमान में रूस के अधिकार क्षेत्र में है। यह कुरिल द्वीप जो है वो रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, अब इसमें एक शब्द आया है तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि रिंग ऑफ फायर क्या है। तो रिंग ऑफ फायर, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये रिंग ऑफ फायर की है इस तरह से। ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर रीजन है। रिंग ऑफ फायर रीजन क्या है? ये प्रशांत महासागर में है, ये ज्वालामुखी और भूकंपों के लिए काफ़ी सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी काफ़ी अधिक आते हैं, ज्वालामुखी तो उद्गार होता है और भूकंप काफ़ी यहाँ आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में 452 से अधिक ज्वालामुखी हैं। ये विश्व के 75% ज्वालामुखी जो हैं रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं, और 91% जो भूकंप हैं वो इसी एरिया में आते हैं। इसका मतलब यह है ये काफ़ी एक्टिव रीजन है, 91% जो हैं वो भूकंप इसी में आते हैं, और ज्वालामुखी जो हैं वो 75% इसी रीजन में आते हैं। ठीक है, और लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति के कारण क्या होता है कि रिंग ऑफ फायर का विकास हुआ है, जो कि काफ़ी ऊर्जा निकलती है इनमें जब प्लेटें घर्षण करती हैं, इसी कारण भूकंप और ज्वालामुखी बनता है। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अब इस क्षेत्र में आप कुरिल द्वीप की लोकेशन देख सकते हैं, ये है कुरिल द्वीप की लोकेशन। ठीक है, ये हमारा प्रशांत महासागर है, और ऊपर यहाँ पर ओखोत्सक सागर है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन, वो सॉरी आर्टिकल है हमारा, फ्लिपकार्ट और अमेजन ने अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो कुछ जो ई कॉमर्स की ट्रेड है उसके डाटा को हम जान लेते हैं। 40% भारतीय जो हैं वो अपनी खरीदारी वर्तमान में ई कॉमर्स वेबसाइटों से करते हैं। 2009 में भारत का ई कॉमर्स मार्केट जो था वो 3.9 बिलियन डॉलर था, जो कि वर्तमान में 2018 में 38.5 बिलियन डॉलर, लगभग 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 10 गुना हो गया है इन पिछले 10 वर्षों में। अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, और वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, जो कि सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा की गई थी भारत में, और वर्तमान में इसका जो मूल संगठन है वो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट ने इसको अधिग्रहित कर लिया है। अमेजन की स्थापना की गई थी जेस बेसोप के द्वारा। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको करेंट की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।